अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं राइड पे और मारा। तो अभी इस टाइम जो है ना, हम लोग हब पे रुके हुए हैं नाश्ता करने के बाद। अब यहाँ से दोबारा अब राइड स्टार्ट कर रहे हैं। और ये इसका होटल है, और ये फराज भाई, और ये है हमारे इमरान भाई, और हमारे दो भाई तो आगे निकल गए। तो चलें मैं राइड कंटिन्यू करते हैं। अब जहाँ जहाँ मैं स्टे करूँगा तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करता रहूँगा मैं। और अब जो हमारा सेकंड स्टे जो स्टॉप होगा वो होगा 0 पॉइंट PSO का पेट्रोल पंप। वहाँ से फ्यूल रिफिल करवाने के बाद जो है दोबारा से राइड स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मौसम जो है ना इस टाइम बड़ा अच्छा हो रहा है, और सर्दी भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। आज हमने सुबह राइड स्टार्ट करी थी 5 बजे, और यहाँ पर हम लोग तकरीबन पहुँच गए थे 6:30 बजे, क्योंकि हमने 2 जगहों पे स्टॉप किया था। एक टोटल पार्को जो बुराक है वहाँ पर, वहाँ से फ्यूल रिफिल करवाया था। अब जो सेकंड रिफ्यूल करवाएंगे वो PSO से करवाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर कंटिन्यू राइड करेंगे कुंड मजीर तक। अभी इस टाइम जो है ना, हम लोग हैं हब पे, और अभी यहाँ से जो है ना टूवर्ड जा रहे हैं विंदर की तरफ। और ये मंदिर देखें माशाल्लाह से, सुबह सुबह का फोक तो हो रही है, और पहाड़ों को देखकर जो है ना मेरे नॉर्थ के टूर की जो है ना यादें ताज़ा हो गई दोबारा से। यहाँ से जो है ना विंदर जो है वो 38 किलोमीटर है। मैंने अपना कैमरा लगाया हुआ है और फुल मजे करते हुए जा रहे हैं ब्लॉगिंग करते हुए। इनका भी चैनल है, उसका मैं आपको जो है ना लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इन भाई को भी जो है इनके चैनल को सपोर्ट करें प्लीज, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये भी बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हैं। और ये जो मुझसे आगे जो है ना, ये जा रहे हैं फराज भाई, और उससे आगे आ रहा है समीर, और सबसे आगे जो लीड कर रहे हैं वो कर रहे हैं खुर्रम भाई। रोड जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है। मेरा ख्याल है ये रोड बन रहा है, इस पर डामर डाला हुआ है। ये रोड बन रहा है, पाकिस्तान आर्मी की चेकिंग चल रही है यहाँ पे। इस सारी बसों को जो है ना रुकवा के यहाँ पे चेकिंग हो रही होती है, उसके बाद जो है ना फिर वो एंटर होने देते हैं। काफ़ी बड़ी लाइन है बसों की। ये सुबह सुबह का मंजर विंदर शहर का। इधर भी काफ़ी रश होता है, सुबह सुबह का टाइम है, दुकानें बंद है, तो इस टाइम रश नहीं है। और अक्सर जब हम लोग बलूचिस्तान टूर में जाते हैं ना तो विंदर में ही नाश्ता करते हैं सुबह का। लेकिन जहाँ आज नाश्ता किया ना, तो इसका पराठा और अंडा जो था ना वो बड़ा टेस्टी था। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। और इमरान भाई ने बोला बाइक रोको, खैरियत। क्या हुआ? ये पता विंदर का, ये विंदर है, ये विंदर है ना। मैं तो 80 पे चला रहा था, मैं भी 80 पे जा रहा हूँ। तो वो आ गई, तो बोलो कम चलाए सर, जल्दी निकले तो स्लो भी चलाओ यार। यार इसे पेट्रोल एवरी भी सही आएगा। हाँ, ये तुम बैठते हो तो गाड़ी में बैठ जाती है। अब इंशाल्लाह जो स्टॉप लेंगे ना वो PSO पेट्रोल पम्प पे लेंगे 0 पॉइंट से पहले, और वहाँ से रिफिल करवाने के बाद फिर इंशाल्लाह कुंड मजीर पे जाके जो है लंच करेंगे, और वहाँ की जो ईरानी लस्सी होती है ना वो पीनी है ज़रूर।
लास्ट टाइम भी मैं पी थी और वो कराची भी लेकर गया था, मुझे बड़ा मज़ा आया, बड़ी टेस्टी लस्सी है। और पुंड मलिर में काफ़ी सामान जो है ना वो ईरान का मिलता है। तो फाइनली हम जो है ये PSO पे पहुंच गए, ये ज़ीरो पॉइंट से नियर है और यहाँ पर जो है ना फ्यूल रिफिल करना है और फराज भाई की बाइक पे ऑयल भी चेंज करना है, ये दो मेजर काम है वो करने, उसके बाद फिर दोबारा से राइड कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। फ्यूल रिफिल हो गया है और फराज भाई की GS खड़ी हुई है, इसमें भी ऑयल चेंज हो गया है और अब सब भाई जो हैं वो रेडी हैं टूवर्ड जो है मड वॉल्केनो और उसके बाद फिर कुंड मलिर। चले हाँ, अच्छा खुर्रम भाई वो इमरान भाई आगे रोकने, ठीक है क्या निकल गया? मौसम जो है ना वो अभी स्टिल जो है क्लाउडी हो रहा है, ऊपर देखें आफ्ताब जो है वो बादलों के पीछे छुपा हुआ है और कभी कभी झांक झांक के देख रहा है। और ये पुलिस का जो है चेक पोस्ट है और वो सामने आपको नज़र आ रही होंगी, ये बलूचिस्तान की जो है ना बहुत बड़ी मॉडल थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनकी कुछ यादें हैं जो है वो हमारे साथ रह गई हैं। और ये उनका स्टैचू है प्रिंसेस ऑफ होप का, ये रहा प्रिंसेस ऑफ होप का। और ये जो रोड है ना ये यहाँ से सीधा जो है ये क्वेटा जा रहा है खुजदार, और हम यहाँ से जो है लेफ्ट लेंगे ये सीधा कुंड मलिर और मारा जा रहा है। अच्छा ये पहला चेक पोस्ट आ गया है मकरान कोस्टल हाईवे का, मेरा ख्याल है ये गाड़ियों से चार्ज करते हैं, बाइक से नहीं करते चार्ज, रस्सी लगी हुई है वरना खींच लेते। सपत 85 हिंगोल 121 कुंड मलिर 130 किलोमीटर, अगर 85 टू 80 के ऊपर क्रूज़ करते हैं तो आराम से डेढ़ घंटे दो घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बड़ा सुन रोड है और बस कंटिन्यूसली आपने बाइक चलानी है इस रोड के ऊपर और दो घंटे के बाद कुंड मलिर आ जाएगा। तो उससे पहले हम लोग जो है ना मड वॉल्केनो की तरफ मुड़ेंगे और इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाते हैं, करने भी मज़ा आ रहा है वो भी GR को। ऐसे लग रहा है जैसे किसी डेजर्ट के अंदर आप बाइक चला रहे हैं, देखें दूर दूर तक जो है ऐसे लग रहा है जैसे कि डेजर्ट पे आप बाइक चला रहे हैं, देखें दूर दूर तक जो है ना कोई पहाड़ ना कुछ, बस ग्रीनरी हुई हुई है भी बारिश की वजह से। ये भी मेरे लेफ्ट के ऊपर भी यही हाल है और राइट के ऊपर भी हाल है, देखें
माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे जो है ना मेरा ख्याल है कंस्ट्रक्शन चल रही है, रोड बना रहे हैं पूरा का पूरा, डामर डाला हुआ है। रोड भी गर्म हो रहा है और पानी भी डाल रहे हैं लोग। रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है मकरान कोस्टल हाईवे के ऊपर। ये जो ये वाला रोड है इसको इन लोगों ने ऊपर किया है, माशाल्लाह और स्मूथ हो गया है ये। जब मैं लास्ट दफ़ा आया तो ये नीचे वाला रोड था, ये थोड़ा सा जंबी रोड है। ये जो है ना कोस्ट गार्ड का ऑफिस है मेरे लेफ्ट के ऊपर। ये जो पेट्रोल मिल रहा है ना ये सारा का सारा ईरानी पेट्रोल है। वो जो लास्ट हमको पीएसओ का पंप पे जो पेट्रोल मिला था ना वो सही था पेट्रोल पंप, और उसका पंप जो उसका पेट्रोल है वो भी बेहतरीन था। और अब जो भी कोर्ट और मारा तक पेट्रोल मिलेगा ना वो सारा का सारा जो है ईरानी पेट्रोल है। लेकिन उसका भी एक हल है मेरे पास, वो जब मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को शेयर करूँगा इंशाल्लाह जब मैं ईरानी पेट्रोल डलवाऊँगा ना बाइक पर। माशाल्लाह से काफ़ी ग्रीनरी स्टार्ट हो गई जैसे जैसे आगे बढ़ते आ रहे। ये देखें हम मेरे लेफ्ट के ऊपर बारिश के बाद से ये हाल है यहाँ का। और ये देखें पपीता लगा हुआ है यहाँ पे। और ये है माशाल्लाह से बलूचिस्तान की पासू कोंस, इतना खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह से। और ये है मकरान कोस्टल हाईवे, और इस हाईवे के ऊपर बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है। अरे माशाल्लाह क्या नज़ारा है खूबसूरत। और ये है वेलकम टू हिंगोल नेशनल पार्क, यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अच्छा तो मड वेलकोनो के लिए जो है ना ये वाला रास्ता निकल रहा है और सपत भी यही रास्ता जा रहा है। और ये हमारी टीम खड़ी हुई है, अब यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे और ये सीधा सीधा रोड जो है ना आगे आगे थोड़ा सा ऑफ रोड स्टार्ट हो जाएगा। तो लेके चल के दिखाता हूँ आपको मैं। कुंड मलीर यहाँ से बता रहे हैं 45 किलोमीटर, सपत 10 किलोमीटर, मड वेलकेनो 4 किलोमीटर। क्लच नहीं दबाना, क्लच नहीं दबाना। अबे चलो ना।
माशाल्लाह जीआर जो है वो मट्टी हो या कुछ भी हो बेहतरीन रिस्पांस देती है। वे आपके सामने ही है, खींचते जाओ, क्लच मत यूज करो, पहले गियर में डाल के गाड़ी खींचते रहो। अरे चाचा, जीआर जीआर माशाल्लाह से जीआर जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्म करती है, भले मट्टी हो या कहीं पर भी कोई भी जगह हो। यहाँ पर भी जो है ना रेत आई हुई है काफ़ी जगहों पे, और वो रहा मड वोल्केनो वो सामने नज़र आ रहा है। अब ये वाला रोड भी जो है ना वो मकरान कोस्टल हाईवे की तरह बन जाए ना तो मज़ा ही आ जाए, सफ़र जो है ना वो शॉर्ट हो जाए काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, इनमें से एक पे जो है ना वो बाइक ऊपर चली जाती है, मैं कोशिश करता हूँ लेके जाने की और आप लोगों को लेके आके दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पर और भी जो है वो बाइकर ग्रुप आया हुआ है और वो जा रहे हैं शपथ, वो भी मिले थे हमें पीछे। रोड पक्का है, वो गाड़ियों की जो लाइन बनी हुई है ना उसको फॉलो करते हुए चलो चले जाएंगे। वो रहा हाँ, देखो इधर जो है ना गाड़ियां आई हुई है, यहां से आ जाओ, यहां से आ जाओ। नहीं नहीं यहां से उतर जाएगी आराम से। रोड पक्का है ये, पीछे पीछे से चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। कहाँ पे एक्चुअली यहाँ पर देखकर भी जाना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ी सी रोड गीली भी है ना, तो मड की वजह से है ना बाइक धस जाती है। तो ये है सामने मड वोल्केनो,
फाइनली हम जो है वो पहुंच गए। काफ़ी मट्टी है इधर और ये इसकी सीढ़ियाँ ऊपर जाने की, मड वॉल्केनो की ये इसकी सीढ़ियाँ, यहाँ से आप सीधा ऊपर जा सकते हैं। तो चलें ऊपर लेके चलते हैं आपको। यार हम लोग जो है ना ये मड वेलकेनो पहुंच चुके हैं और ये मड वेलकेनो की सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से ऊपर जाके मैं आपको जो है ना सारा व्यू दिखाता हूँ। और यहाँ मतलब के कोस्टल हाईवे से लेकर यहाँ तक का सफ़र जो है बड़ा बेहतरीन रहा, बड़ा मज़ा आया। और ये तकरीबन 460 सीढ़ियाँ हैं इसकी और ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है मड वेलकेनो की। ये आप पढ़ सकते हैं, ये सारी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो चलें भाई यहाँ से जो है ऊपर लेके चलता हूँ मैं आपको। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर। यहाँ से जो है मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ। हालत टाइट हो गई है मेरी चढ़ चढ़ के ऊपर। यह है मड वेलकेनो। वो देखें, वो आपको नज़र आया लावा उबलता हुआ, लावा तो नहीं है ये मड उबलता हुआ। वो देखें उस साइड पे ज़्यादा उबल, वो देखें ना ऊपर आया हूँ। फराज भाई से चढ़ा नहीं आ रहा, कोशिश कर रहे हैं पूरी। और वो हमारी बाइक खड़ी हुई इतना नीचे। फराज भाई आ जाओ, बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरा ख्याल है 200 सीढ़ियाँ और रह गई हैं और भागते हुए उतर रहा हूँ मैं। ये भाई जो है ना ये यहीं पर ही होते हैं और आज हम इनसे ज़रा हिस्ट्री पूछेंगे, ज़रा आप बताएंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। हाँ, इधर वो हिंदू आते हैं ना, इसका पूजा करते हैं, इसमें नारियल फेंकते हैं और इसका पूजा करते हैं। मड़ जो है मड़ आपके जिसमें लगाते हैं, अगरबत्तियाँ लगाते हैं और बोलते हैं हमारा कोई भगवान इधर आया हुआ है। हिंदू लोग बोलते हैं, बाकी मुसलमान बोलते हैं अल्लाह ताला की जगह है, इसमें समुंदर का गैस है, सामने समुंदर है, बस यही है। हर साल ये बढ़ जाता है 1 फुट ऊपर, मिट्टी नीचे बहता है। तो अभी इन भाई से जो है हमने यहाँ की हिस्ट्री पूछी है और यहाँ पर क्या क्या होता है, तो ये यहीं पर ही होते हैं। इन्होंने हमको जो है ना सारी की सारी हिस्ट्री बताई है। तो अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अब मैं यहाँ से दोबारा से राइड स्टार्ट करता हूँ कुंड मलिर के लिए। वहाँ जाके रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद दोबारा से राइड स्टार्ट करेंगे और मारा के लिए, और होपफुली के मगरिब से पहले पहले हम लोग और मारा पहुँच जाए। अच्छा, तो ये जो है ना पाकिस्तान आर्मी का चेक पोस्ट आ गया है कुंड मलिर से पहले जो आता है, और यहाँ पर जो है बाइक लेफ्ट पे लगा के जो है ना एंट्री करवानी पड़ेगी, उसके बाद जो है फिर वहाँ से हम आगे जाएंगे। तो एंट्री करवाने के बाद फिर इंशाल्लाह वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
फाइनली एंट्री हो चुकी है और अब यहाँ से जो है कुंड मलीर पे जो पहला होटल है वहाँ पे जो है स्टे करेंगे थोड़ी सी देर। लंच करने के बाद फिर इंशाल्लाह दोबारा से राइड कंटिन्यू करेंगे और मारा के लिए। और ये आ गया है हिंगोल रिवर मेरा, माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है, लेकिन ख़तरनाक भी उतना ही है क्योंकि इसका जो किनारियाँ हैं वो टूटी पड़ी हैं। अल्लाह ना करे अगर नीचे गिर गए तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। और माशाल्लाह से वो व्यू चेक करें आप, ये सिर्फ जो है ना जाते हुए चेकिंग होती है, वापस आते हुए चेकिंग नहीं होती। बस वो एंट्री करते हैं, आपकी बाइक का नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, और ये पूछते हैं कि कितने बंदे थे आपके साथ, आप अकेले हैं या डबल हैं। तो इसकी एंट्री करने के बाद जो है फिर पूछते हैं आपको जाना कहाँ पर है, कुंड मलीर जा रहे हैं या और मारा जा रहे हैं, गवादर जा रहे हैं, और वो फिर उसको नोट करते हैं। उसके बाद फिर आपको परमिशन मिलती है ये चेक पोस्ट क्रॉस करने के लिए। और मेरे सामने माशाल्लाह कितना खूबसूरत पहाड़ है, मेरी जो है ना नॉर्थ की जो टूर है उसकी यादें ताज़ा हो गई हैं इनको देखकर। और अब इन पहाड़ों के बीच से ही जो है ना हम लोग गोरमारा के लिए निकलेंगे। जो है कुंड मलीर पहुंच चुके हैं, ये समंदर माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। और ये फ्यूल पंप भी है यहाँ पे, लेकिन जो भी पंप है और पेट्रोल है ये रानी पेट्रोल है सारा का सारा। और अब माशाल्लाह से जिस तरह हम आगे बढ़ते आएंगे उतने ज़्यादा खूबसूरत जो है ना यहाँ के व्यूज़ हैं। माशाल्लाह पानी कितना खूबसूरत लग रहा है, ब्लू वाटर। और ये वाला रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे इंशाल्लाह। और खाना खाने के बाद दोबारा से राइड स्टार्ट करते हैं। ये आ गई हमारी टीम, खुर्रम भाई, फराज भाई और समीर भाई। वो सबसे बड़ा बच्चा किधर है? ओरा मैं तो कहता हूँ और मारा जाके